हम सुबह 5 बजे ट्रैक के लिए निकले और घर हम 10 बजे पहुंचे। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका कश्मीर लाइफ में। मैं साकिब मीर, इस वक्त हमारे साथ 7 साला हफ्सा इश्फाक जुड़ी है अनंतनाग से, जिन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो शायद बहुत कम बच्चे इनके उम्र के कर सकते हैं। अनंतनाग साइड से चोहरनाग पड़ता है जिसमें 4 अल्पाइन लेक्स आते हैं, यानी वो चारों जो लेक से वो काफी वो ऊंचाई पे वाक्या है। हफ्सा ने वहां तक ट्रैक किया, उन 4 लेक्स तक ये गई, वहां तक इन्होंने ट्रैक किया और वो भी खाली एक दिन में। तो कहां से मिला इनको ये जज्बा, कहां से मिला ये हौसला, किस चीज से मुतासिर होकर इन्होंने ये सब कुछ किया? हफ्सा, आपका वेलकम है कश्मीर लाइफ में। मैं सल्फिया मुस्लिम इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपके साथ और कौन कौन था ट्रैकिंग पे? बहुत सारी गर्ल्स थी, मेरी बहन थी और मेरे पापा थे। कहाँ से आप इंस्पायर हुई, ये किसका प्लान था, ये आपका प्लान था या आपके डैडी का प्लान था, तो ये सब कुछ ये कैसे प्लान हुआ? मैं अपने पापा को देखती थी, पापा ट्रैकिंग जाते थे तो मैंने पापा को कहा मैं भी ट्रैकिंग आऊंगी, फिर पापा ने ये प्रोग्राम किया। तो इससे पहले आप कभी ट्रैकिंग पे गई है? हाँ, मैं नेसबल गई हूँ, चिरंगल, दुबनार, ये साउथ कश्मीर में आते हैं सारी चीजें। तो आपने 4 अल्पाइन जो लेक से वहां तक आपने ट्रैक किया और वो भी खाली एक दिन में, तो आप मुझे बताइए क्या आप थक नहीं गई वहां तक जाते जाते? बहुत थक गई। जब आप वहां जा रही थी, हाँ, जब आप ट्रैक कर रही थी, तो आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मैं अब्बू से कहूंगी कि अब्बू बस इतना ही, इससे और आगे मैं नहीं जा पाऊंगी, आया ऐसा ख्याल आपके दिमाग में? हाँ। आया। अच्छा, तो लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप गई वहां तक। हाँ। अच्छा, कितने बजे सुबह आप निकले ट्रैक के लिए और कितने बजे आप घर वापस पहुंचे? हम सुबह 5 बजे ट्रैक के लिए निकले और घर हम 10 बजे पहुंचे। तो आप मुझे बताइए आप की जो हॉबीज हैं, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, कौन सी हॉबीज है आपकी? साइकिलिंग और ट्रैकिंग। अच्छा, तो बड़े होकर क्या बनना चाहती हो आप लाइफ में? IAS ऑफिसर। सबसे पहले मैं कश्मीर लाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लोगों के सामने लाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जहाँ तक हफ्सा का सवाल है, मेरी छोटी बेटी है, 7+ है ये, तो इन्होंने हमने एक क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में बोर हो गए थे, खासकर गर्ल्स, ये तो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम एक आउटिंग ट्रैकिंग पे जाए। एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ, मैं पिछले 3 दिहाई से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, तो इसकी एज कम थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं अगर एक बार में ही पहले ही इसको हाई आल्टीट्यूड पे ले जाऊँ तो इससे एक माउंटेन सिकनेस होती है, तो इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। पहले हमने छोटे छोटे ट्रैक किए, बच्चों के ट्रैक है, तो ट्रैकिंग करके इसको भी थोड़ी एक मतलब जो बेसिक थोड़ी ट्रेनिंग होती है, इससे वो ट्रेनिंग लगी और थोड़ा इसका एक एक्लमेटाइज भी हो जाता है। मुझसे ज्यादा बेटर ट्रैकिंग हफ्सा ने की, फिर पापा ने बोला था हफ्सा को कि आप थक रहे हो, चलो आप मेरे कंधे पे चढ़ के फिर हम ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन हफ्सा ने बोला नहीं, मैं जो भी करूंगी आई विल डू इट ऑन माय ओन। के एज के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जो मेरे जितने या फिर मुझसे बड़े हैं, मैंने ये कहूँगी कि आप लॉकडाउन में बोर हो रहे होगे घर पे और थोड़ा टेंस हो गए घर का, ना स्कूल गए होगे, तो ये ट्रैकिंग आप आ सकते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, बहुत मजा आता है ट्रैकिंग। बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से बात करने के लिए।